हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी माता जी के पिताजी का नाम क्या है, बता दें। फिर तुम कहोगे माता जी का भी नाम बताओ, तो माता जी का नाम बताऊं कि नहीं? हम दोनों को नाम बताएंगे अब तुम्हें, तुम ध्यान से सुनो, दोनों को नाम बताएंगे, माता जी को भी और पिताजी को भी। बड़े ध्यान से सुनना, शास्त्रों के अनुसार पुराणों में अलग अलग तरीके से लक्ष्मी माता की कथाओं का चर्चा किया गया है। उनके प्राकट्य के विषय में, उनकी जानकारी के विषय में अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से। एक जगह तो यही कहा गया है कि श्री महालक्ष्मी ही महामाया हैं। ये जो श्लोक हमने बोला था ना अभी आपके लिए, वैकुंठ च महालक्ष्मी देव देवी सरस्वती, वही सरस्वती हैं, वही गंगा हैं, वही तुलसी हैं, वही सावित्री हैं, वही सब कुछ है, वो सब कुछ उन्हीं से सृष्टि का सृजन हुआ, वही सृष्टि की रचनाकार है, ऐसा कई जगह पर मिला है पढ़ने को। परंतु अभी आप जो कथा सुन रहे हैं, एक भाव तो आप सब जानते हैं कि समुद्र से उत्पन्न हुई है। जब 14 रत्न निकले समुद्र से, उस समय महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ, तो समुद्र की पुत्री कहलाई है। परंतु एक पुराण में अन्य जो है ये ऋषि भृगु की पुत्री है। किनकी? ऋषि भृगु की पुत्री हैं, और इनकी माताजी का नाम है ख्याति। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, उसका इनसे कोई संबंध नहीं। महर्षि भृगु विष्णु के ससुर और शिव के साडू थे। समझे? न्यायी का समझ में आया। भगवान विष्णु के ससुर और शिव जी के साडू भाई थे। महर्षि भृगु को सप्त ऋषियों में स्थान मिला हुआ है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे, इसका मतलब राजा दक्ष की भतीजी थी लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दाता और विधाता। ये मालूम तुमको पहले कभी है? दाता और विधाता, ये भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों की चर्चा की गई है, जिसमें से 4 पुत्र श्रेष्ठ, जिनके नाम हम सभी बताए, उन्होंने नाम है आनंद, करदम, श्रीद, चिकलीत। ये 4 नाम, ये 4 वैसे उनके 18 पुत्र हैं। माता लक्ष्मी को दक्षिण भारत में श्रीदेवी कहते हैं, श्री माने लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी की देवी हैं वो हैं श्रीदेवी। लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में हुआ, ये कथा हम आपको अवश्य सुनाएंगे एक दिन, और पूरी कथा सुनाएंगे।